नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे ग्लोबल वेब टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि देश में या दुनिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको एडमिशन लेने के लिए कुछ भी नहीं देना पड़ता? कुछ भी नहीं से तात्पर्य आपको कोई फीस नहीं देना पड़ती, लेकिन स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ की व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए अपनी ओर से जो भी आर्थिक योगदान हो सकता है वह भेंट करते हैं। वह 500 रुपये हो सकता है, वह 3 लाख रुपये हो सकता है, वह 50,000 रुपये हो सकता है। और भारत के धनाढ्य परिवारों के बच्चे युवा वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, अपनी विधा को प्रगाढ़ करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें कोर्स आपको खुद को चुनना है और उस कोर्स को आप खुद ही प्रगाढ़ कर सकते हैं। महज एक युवती है जो कि बेंगलुरु से हैं और वह किसानी को प्रगाढ़ करना चाहती हैं। वे उन लोगों की शरण में हैं जो खेती किसानी को बहुत बारीकी से जानते हैं और उसे करते आ रहे हैं। उसके शिक्षक क्वालिफाइड नहीं हैं, लेकिन वे किसान हैं जिनकी पीढ़ियां किसानी करते आ रही हैं। महज वह हार्वेस्टर से गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा या मक्का नहीं काटना चाहती, दराते से काटना चाहती है। उस बालिका का यह तर्क है कि यदि हार्वेस्टर से कटाई की जाती है तो उसके साथ मिट्टी भी आ जाती है और मिट्टी की गुणवत्ता कम होती है, जबकि दराते से काटने के कारण अनाज की बिक्री जो है उसका भाव अत्यधिक मिलता है। ऐसे ही कई और स्टूडेंट्स हैं जो संगीत कर रहे हैं, गीत कर रहे हैं, कुछ अपनी दूसरी विधाओं को महज कपड़ा बनाने की, खादी पर काम करने की विधाओं को प्रगाढ़ कर रहे हैं। यह है उदयपुर की तपोवन यूनिवर्सिटी जिसका ध्येय वाक्य है अपना मार्ग खुद चुनो। आज मुझे इंदौर आए तपोवन यूनिवर्सिटी के युवक युवतियों से बात करने का मौका मिला। जब मैंने उन्हें एक सवाल किया कि इंदौर लगातार 3 साल तक देश का नंबर 1 साफ स्वच्छ शहर चुना गया है और चौके की तैयारी में है, क्या आप अपने अपने शहरों में जाकर इस संदेश को फैलाएंगे, तो उनका ये कहना था हमें शहर में रहना ही नहीं है, हमारी ज़िंदगी गाँवों में है, हम गांधीवादी बनना चाहते हैं, गांधी के उस मार्ग की ओर चलना चाहते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। आई एम मणि मेघलई फ्रॉम तमिलनाडु। मणि मेघलई? यस। अच्छा, तमिलनाडु से। कितनी उम्र है आपकी? 26। मेरा नाम आयुषी भंसाली है, मेरी उम्र 20 साल है। अच्छा, कहाँ से आप? बैंगलोर। अच्छा, मेरा नाम प्रवल्लिका है, मेरा एज 21। सरनेम नहीं आपका? सी एच। अच्छा, मेरा नाम ओम कल्याणी है और मेरा 19 साल का हूँ और राजकोट गुजरात से हूँ। और मेरा नाम मुथक है, मैं 27 इयर्स ओल्ड हूँ, मैं मेघालय शिलोंग से हूँ। मेरा नाम राहुल है, मैं 25 का हूँ, मैं मुंबई से हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं पंजाब चंडीगढ़ से। मेरा नाम सेल्वा है, मैं तमिलनाडु से हूँ। मेरा नाम रजत है, मैं बल्लारी कर्नाटका से हूँ। मेरा नाम बसंत है, मैं राजस्थान बांसवाड़ा से। मेरा नाम निक्षित है, मैं 21 साल का हूँ और मैं बैंगलोर से हूँ। मेरा नाम प्रीति है और मैं 25 साल की हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। तो मैं स्वराज यूनिवर्सिटी हूँ, ये एक अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ना कोई टीचर होता है ना कोई स्टूडेंट होते हैं। तो ये एक उदयपुर में यूनिवर्सिटी है जो उदयपुर से 7 किलोमीटर बाहर जंगल में है, जहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है जिस यूनिवर्सिटी की। और एक अलग तरीके की यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ना तो डिग्री ली जाती है और ना डिग्री दी जाती है। ये यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ पे स्टूडेंट को खोजी बोला जाता है। तो ऑल ओवर इंडिया से डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के यहाँ पे स्टूडेंट खोजी आते हैं, जिनकी एज 18 से और 30 साल की होती है। तो अपना जो बचपन से हिडन टैलेंट है या सब कुछ जो दबा हुआ है तो वहाँ के एक्सप्लोर करते हैं और खुद को जानते हैं और सीखते हैं। तो ये 2 साल के प्रोग्राम में 6 महीना वहाँ रहते हैं और 6 महीना बाहर रहते हैं, जैसे कि 2 महीने वहीं रहते हैं और 2 महीना ऑल ओवर इंडिया में जो उनके इंटरेस्ट पे काम करना है, जैसे कि पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया और अलग अलग तरीके का जो भी उनको एक्सप्लोर करना है वो अलग अलग जगह जाके करते हैं। आदरणीय आप ये बताइए कि क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को सदमे छद्मता का एक टाइटल दिया है, क्या आपको वहाँ एडमिशन लेना पड़ा?
नहीं, वहाँ पे कोई एडमिशन का प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि अगर आप सही में इच्छुक हैं एक स्वपदगामी बनने के लिए, अपना रास्ता खुद खोलने के लिए, तो सिर्फ यही एक बेसिक क्राइटेरिया है जो वो आपसे बातचीत करके जानते हैं. तो कोई डिग्री के बारे में नहीं पूछा गया और कोई और ऐसा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नहीं था कि आपको आना पड़े. चूँकि दो साल का यह कोर्स है तो इसमें आपके परिवार को कुछ पैसा भरना पड़ा जैसे भारत की अन्य यूनिवर्सिटीज में भरना पड़ता है? तो इसमें ऐसा कोई फीस जैसा नहीं है कि एक फिक्स्ड है कि इतना ही देना है, पर जो अलग अलग बैकग्राउंड से है और जितना अफोर्ड कर सकता है उसके हिसाब से अलग दूसरे दूसरे लोग बात करके उसके हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हमने. आपने कितना पैसा दिया, आपके परिवार ने कितना पैसा दिया? तो मेरा दो साल का आई थिंक 3,20,000 कुछ होगा. आप ये बताइए कि उसमें बाउंडेंसी है कि इतना पैसा भरना अनिवार्य है, मैंडेटरी है? ऐसे कुछ मैंडेटरी तो है नहीं, पर इनका एक कॉन्सेप्ट रहता है कि पे बाय दिल से बिल से नहीं. तो ये मानते हैं कि अपनी जितनी क्षमता है उस माध्यम से आप पे कर सकते हो, और पे करने का एक ही माध्यम नहीं है, पैसा ही माध्यम नहीं है, कई दूसरे मीडियम्स भी है जिससे आप पे कर सकते हो. किसी के घर में रहने के लिए दे सकते हो, या खाने के लिए, या कोई यूनिवर्सिटी के सप्लाईज के लिए चाहिए तो उस मीडियम से भी कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है. आपको सभी बहुत अच्छे परिवार से हैं, आप कुछ ज्यादा अच्छे परिवार से दिख रहे हैं. मुझे बताइए कि आप, हम वही भारतीय हैं जो यहाँ बहुत सारे बैरियर है हमारे दिमाग के अंदर, रूढ़िवादी भी हम. आपके परिवार में चाहे आपकी दादी हो, आपकी नानी हो, आपके पड़ोसी हो, आपके दोस्त हो, उन्होंने इस तरह का विरोध नहीं किया कि क्या सनक तुमको सूझिए कहाँ जंगल में जा रहे हो जहाँ जिंदगी बनाने के कोई फायदे नहीं, ऐसा हुआ आपके साथ? पेरेंट्स ही एनकरेज किया मुझे ज्वाइन होने के लिए, खुद का रास्ता, खुद का जीवन कैसे मैं खुद ही डिजाइन कर सकूं. सो उन लोगों का इच्छा है मैं खुद ही खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो सकती हूँ, इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ, इसीलिए मैं कॉलेज में. जी, जो बाल मन होता है, जो बच्चा होता है, यदि वो उसके हाथ में छुरा आता है तो उसको कुछ अलग वाहन दिखता है, सबकी अपनी कल्पनाएं रहती हैं. तो आप जिस विधा में आ रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप आ रहे हैं, वो क्या था जिसको आप और आगे ले आना चाहते हैं? अभी मेरे को म्यूजिक और डांस में बहुत इच्छा है, वो गाना गाना और परफॉर्म करना, डांस करना, तो वो आगे लेके जाना चाहती हूँ. लोगों को कैसे, लोगों के साथ कैसे जुड़ सकती हूँ, उन लोगों को भी कैसे कनेक्ट कर सकती हूँ मैं. क्या, किस परफॉर्मिंग आर्ट, किस किस भाषा में करते हैं आप, किस भाषा में? मीडियम जो होता है वो आर्ट होता है, परफॉर्मेंस होता है. नहीं, आप बोल रहे हैं आपको गाने में रुचि है और आपको क्लासिकल म्यूजिक और क्लासिकल डांस, वो कर्नाटिक म्यूजिक और क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम में इच्छा है मेरा. लेकिन वहाँ पर क्या आपके लिए शिक्षक है, आपके गुरु है वहाँ? हाँ, उधर गुरु नहीं, वो लोग गुरु के पास कैसे मैं जा सकती हूँ, कैसे सीख सकती हूँ, वो लोग मेरे को कॉन्टेक्ट देते हैं, तो उधर जाके मैं मेंटरशिप करती हूँ. वहाँ जाने के बाद किन से मिले आप, किस गुरु से मिले आप? एक दिल्ली में एक लड़की है, मेरे गुरु थी, कथक करती थी, मीनाक्षी जी. उधर मैं 1.5 महीने रह के उधर थोड़ा बेसिक्स फंडामेंटल्स जो होता है वो सीखा. उसके बाद अलग अलग गुरुस पांडिचेरी गई, उधर एक डांस क्लास में शुरू की, जोरहाट गई, शिल्पिका बरोडा लाइबोर के एक थिएटर परफॉर्मेंस आर्टिस्ट है, उधर भी वर्कशॉप किया, रेसिडेंशियल वर्कशॉप. वहाँ जाने के बाद कभी आपने किसी भी स्तर पर परफॉर्म किया? मतलब अकेले नहीं किया, बट जो टेडएक्स किया केरला में, कोरिकोड में मैंने टेडएक्स टॉक दिया, तो वो म्यूजिक के बारे में मेरा जर्नी कैसा रहा म्यूजिक के थ्रू, तो वो मतलब. हाँ, आपकी कला क्या है? मुझे अभी फार्मिंग और फॉरेस्ट्री में इंटरेस्ट है, एंड ऑल्सो साथ में मैं पेंटिंग भी करती हूँ. हाँ, आपने यूनिवर्सिटी जाने के दौरान और उसके पहले कभी आपने खेती की? उसके पहले नहीं. नहीं की कभी, इसके बाद भी नहीं की? यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद हाँ की है. क्या किया आपने? तो बैंगलोर के आउटस्कर्ट्स में बिरदी नाम की जगह में एक जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जहाँ पर प्रैक्टिस होता है, वो एक फार्म है, तो उधर पहले 1 मंथ इंटर्नशिप किया. उसके बाद लगा कि इसमें मेरे को और रुचि है, एंड उसके बाद काफ़ी फॉरेस्ट्री में भी काम किया, एंड अभी उसी फार्म पे मैंने काम शुरू किया है मोर और एज अ फार्म मैनेजर, कि कैसे अभी फार्मिंग तो हो रहा है पर इसको एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल में कैसे ला सके, और इसको एक ऐसे जगह भी कैसे बना सके जहाँ पर जो भारत के और लोग हैं जो इसमें जुड़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं वो इधर आ सके. मान लीजिए आपने गेहूं उगाया या मक्का उगाया अपने खेत में, तो उसकी कटाई का वक्त आ गया, तो उसको हार्वेस्टर से काटेंगे या दराते से? दराते हसिया
चाकू की मासी का लड़का बड़ा वाला। हाँ, तो अभी राइट नाउ मेनली हम वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ही ग्रो कर रहे हैं, ग्रेन्स पे अभी तक शुरू नहीं किया है। नहीं, आप सवाल नहीं समझे। यदि आपको कोई अनाज बोया है आपने या कोई सब्जी बोई है तो उसको आपको हार्वेस्टर से कटवाना है या आपको दराते से काटना है परंपरागत, तो कैसे काटेंगे आप? दराते से। क्यों? क्योंकि हम लोकल फार्मर्स का के साथ जुड़कर करते हैं और इधर जो है मतलब यही देख रहे हैं कि कितना कम से कम मशीनरी यूज किया जाए, क्योंकि जो मशीनरी का प्रभाव मिट्टी पर होता है वो अच्छा नहीं होता है मिट्टी की जीव शक्ति के लिए। उसमें एक फैक्ट और ये है कि हार्वेस्टर जब किसी अनाज को काटता है तो गीली मिट्टी को भी अपने साथ ले आता है और वो अनाज जो है 2000 रुपये क्विंटल की जगह 1200 रुपये क्विंटल बिकता है। आप क्या काम कर रहे हैं? I'm interested in sustainable buildings. हर जगह मैं जाती हूँ लाइक प्रोजेक्ट के लिए, लोकल मटेरियल यूज करना लाइक फुल्ली नेचुरल मटेरियल्स, स्टोन मल्ट और एनी वुड लोकली अवेलेबल वुड एंड कुछ वेस्ट मटेरियल्स ऑल्सो हाउ कैन आई अपसाइक्लिंग इट लाइक ग्लास बॉटल्स, इट्स अप टू द टेक्निक ऑल्सो एंड लोकल वर्कमैनशिप कैसे मैं एनकरेज कर सकूँ लाइक लोकल पीपल में एंड लर्निंग फ्रॉम देम ऑल्सो, दे हैव ऑल्सो ट्रेडिशनल टेक्निक्स सो आई कैन लर्न फ्रॉम देम एंड आई कैन रीजनरेट देम लाइक इन न्यू आइडियाज, सो वो मैं कर रही हूँ। आप चेन्नई के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु। तमिलनाडु में तो बहुत एक स्टेट है, किस शहर में रहते हैं आप? मदुरई। मदुरई में रहते हैं। अच्छा, आपको ऐसा होता है कि यदि आप किसी को इस बात के लिए निवेदन करने जाते हो तो कई जगह आपको अपमान का भी सामना करना पड़ता है, ऐसा नहीं? I couldn't understand. Whenever you've gone for work or you've approached certain people, have there been times when they've even criticized your work or what you're doing? No, it's not mostly about the work they criticize, but they mostly they curious about to know why I'm doing and what I'm doing. So I can explain to them like why I'm, what is my principles, and how can I help. Or how can I unpollute the nature? I can't protect the nature, but I can unpollute the nature. गुजराती भाई, अभी भारत में गुजराती लोगों ने बहुत दम मचा रखा क्रिकेट में, राजनीति में। निश्चित रूप से आप पैसों के लिए भी काम करेंगे, क्या काम करते हैं आप? तो अभी मेरा इंटरेस्ट फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग में है और ज्यादातर मेरा इंटरेस्ट वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में है, तो मैं अभी वो एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अलग अलग जगह पे जाके मैं फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग के प्रोजेक्ट्स भी कर रहा हूँ और उससे मैं अभी सीख रहा हूँ साथ में। वहाँ जाने के बाद आपकी कला में किसने निखार किया, वो कौन व्यक्ति है जिन्होंने आपको आगे बढ़ाया? हाँ, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, पर वहाँ जाने के बाद मेरा फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव खुला, जो वहाँ के नेचर में तपोवन में रहने से ज़्यादा निखार के आया, तो मैं अपना पहला मेंटर तपोवन को मानता हूँ जिसकी वजह से एक नया पर्सपेक्टिव मुझे मिला है। गेट्टी इमेजेस के बारे में क्या जानते हैं? सॉरी, गेट्टी इमेजेस के बारे में क्या जानते हैं? पहली बार नाम सुना है। हाँ। वो दुनिया के सबसे बड़े फोटोग्राफर है। सर आप बताइए आप क्या कर? मैं तो स्वराज में ऐसे लोग के साथ जो आइडियाज़ है उसके साथ रहता हूँ, मीन फॉर मी कलेक्टिंग आइडियाज एंड कलेक्टिंग स्किल्स और लोग के साथ जुड़ने का और मिलने का और शेयरिंग माय आइडियाज एंड शेयरिंग माय थॉट्स। सबसे अच्छा विचार आपको क्या लगा यदि ये सब लोग काम करें उसमें, आपको सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा विचार मोस्ट इंटरेस्टिंग आइडियाज उसका ही है, इनका फोटोग्राफर का। अच्छा, क्योंकि आपका ऐसा जो लेआउट है वो किसी स्पिरिचुअल गुरु जैसा दिखता है, यदि आप दलाई लामा के बचपन में जाएं जवानी में जाएं तो ऐसे दिखते थे। आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रुचि नहीं है? बोलिए बोलिए। इंटरेस्टिंग स्पिरिचुअल, मैं इंटरेस्टेड नहीं है बट हो कभी कभी होता है, मैं देखता हूँ जानता हूँ, मैं नॉर्मल ज्यादा नहीं है बट बाइसिंग थोड़ा थोड़ा दिखता है। सबके विचारों का आप ग्रहण कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं? वो मेरा जिंदगी में क्या बनना चाहिए तो वो पता ही नहीं, क्योंकि अभी तक खोज रहा हूँ मैं। अच्छा, I'm still seeking and searching for the purpose. फिर ये जो आपका यूनिवर्सिटी में आना, फिर आपके खाने का प्रबंध करना, ये पैसा कहाँ से आता है आपका?
ये पैसा से आता है, मेरा फैमिली में तो इतना सपोर्ट भी नहीं है, सपोर्ट है बट इतना इतना भी, मोस्टली ऑल ऑफ द कुटीज योर कोहोर्ट जो मेरा दोस्त है सब लोग मेरे को वो सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं या ट्रैवलिंग है, खाना है, ये चीज जो मैं चाहिए ये लोग देता है मेरे को। आप संसार के बहुत सुखी आदमी है, आपके जैसा मैं भी हो जाऊं, बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि तपोवन में आप लोग भोजन का प्रबंध कैसे करते हैं, क्या आपको बनाकर दिया जाता है, खुद बनाते हैं? तो भोजन का प्रबंध सुबह का हम खुद बनाते हैं, क्योंकि व्यवस्था है ऐसी कि सुबह हमें खुद पकाना होता है। बाकी का एक टीम है जो फूड को संभालती है और फूड के रिलेटेड काम करती है, कि जो मैनेज करती है बजट का लेकर कि फूड कहाँ से आएगा और जो सीजनेबल फूड हो और लोकल मार्केट से आए और फिर जो ज़्यादातर चीज़ें हमें वहाँ से ही मिल जाए जो हम उगा रहे हैं और वो चीज़ें से, तो वो मैनेज करती है वो टीम। और साथ ही साथ हमारी चीज़ें भी स्टेबल हो, क्योंकि हम 2 साल का हमारा समय है तो कुछ लर्निंग की अगर डिस्टर्बेंस ना हो, तो इसलिए हर खाने की मील हम नहीं पकाते हैं, पर सुबह की पर वो भी कि आप बेसिक स्किल सर्वाइवल स्किल से ना छूते हैं तो कुछ स्किल जो आप बनाना चाहते हो और करना चाहते हो वो ओपन होता है कि आप क्या खाना लकड़ी पर बनाते हैं, लकड़ी जलाकर? लकड़ी पे नहीं है, वहाँ पे लकड़ी की भी है गैस चूल्हे पे बनता है, पर कुछ सेटअप भी है गैस वाला कि ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं है, पर ज़्यादा हाँ जब मास क्वांटिटी में बनता है तो लकड़ी पे बनता है, क्योंकि वो उधर अबेंडेंस। आम दिनों में आपका नाश्ता, आपका दोपहर का भोजन, आपका रात का भोजन क्या होता है? तो आप अलग अलग राज्यों से हैं तो टकराहट तो नहीं होती कि मुझे इडली सांभर खाना है, मुझे रोटी खाना है, मुझे चावल खाना है, इस तरह से तो नहीं होता? इस तरह से होती है, ऐसा क्यों नहीं होगी कि सबको पसंद नहीं आता, पर वो हम कम्युनिटी में बात करते हैं कि अगर वो बन भी रहा है तो क्यों बन रहा है, तो वो समझ बनाते हैं। जो कम्युनिटी लिविंग का वही मतलब है कि आपस में अगर कुछ बन रहा है, कोई नहीं आ रहा है या पसंद नहीं आ रहा तो जाने तो वो क्यों बन रहा है और फिर क्यों नहीं आ सकता वो भी जानना है, तो वो भी बने, आपका भी एलिमेंट है। तो बहुत डाइवर्सिटी है खाने में, बहुत सी चीज़ें लोग जब ऑफर करते हैं वहाँ के, अगर दूसरे से आते हैं तो वो बोलते हैं हमें इडली या ऐसा कुछ खाना है, नॉर्थ का अगर बोले तुम्हारा सब पोहा तो सब बनता है। आपका शरीर बता रहा है कि शायद आप नॉन वेजिटेरियन भी हैं। नॉन वेज खाने को मिलता है? नहीं, वैसे वहाँ पे अलाउड नहीं है, लेकिन अगर आपको खाना है तो कहीं बाहर से आप खा सकते हो, मतलब आश्रम के अंदर ऐसी कोई भी तामसिक चीज़ हमारे नहीं बनती है, इंक्लूड नॉन वेज। जी, आप क्या किस क्षेत्र में ज़िंदगी बनाने जा रहे हैं? अभी मेरा जो इंटरेस्ट है, मतलब मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा था यहाँ आने से पहले, 3 साल एज ए योगा ट्रेनर फ्रीलांसर योगा ट्रेनिंग में मैंने जॉब किया, लेकिन वो जॉब को फिर छोड़ के मैं स्वराज में आया, ताकि मैं जो स्कूलिंग सिस्टम रहा है, जो मेरी लर्निंग्स हुई हैं अभी तक, तो उनको कैसे अनलर्न करना है, जो चीज़ें कुछ ऐसी सीख रही है जो मेरी लाइफ के लिए अच्छी नहीं थी। आपके आदरणीय तो, पिताजी का नाम क्या और उनका व्यवसाय क्या है? उनका नाम चौधरी दर्शनलाल मुनीम है और वो अभी अकाउंटेंट है, एक जो आड़त का काम करते हैं। अच्छा, तो एक प्राइवेट सेक्टर में? प्राइवेट सेक्टर। कितनी आय है उनकी? उनकी मतलब इनकम, उनकी सैलरी तो 10,000 है। अच्छा, किस शहर में रहते हैं आप? वो पंजाब का बॉर्डर एरिया फाजिलका पे। कौन कौन है आपके घर में? मेरे घर में ब्रदर हैं। बड़े हैं छोटे हैं? वो बड़े हैं सर, मैं सबसे। उनकी आय, उनका उनकी इनकम कितनी है? मेरे ब्रदर उसमें है, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करते हैं। नौकरी है या एजेंट? उनकी जॉब है। जॉब है। कितना वेतन है उनका? उनका 50+ रहता है, 50,000। क्षमा करना, आपकी दाढ़ी में थोड़े बाल सफेद हैं। जी जी। इस उम्र में लोग शादी कर लेते हैं, बच्चा भी हो जाता है, किस्त में कार भी ले लेते हैं, माता पिता, यदि आप भी पिता बने तो आपकी यही कल्पना रहेगी मेरा बच्चा मुझे आराम दे। अभी आपने अपने पिता को आराम नहीं दिया, निश्चित रूप से आपके भाई के सहारे आप इस यात्रा को पूरी कर रहे हैं। आपके अंदर से क्या आवाज आती है कि मैं परिवार को आर्थिक योगदान देने लगूंगा, कितने दिनों में? मुझे लगता है कि अभी जो फैमिली है मेरी, उनको अभी हमारी सपोर्ट की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही उनका लाइफस्टाइल ऐसे है कि वो खुद से खुश हैं अपनी लाइफ में, वो गांव में रहते हैं तो उनको अभी नहीं रहता नहीं, कि सवाल ये कि आप कोई हमारी हेल्प कर रहे हैं, कब से उनको उनके उनके जीवन का पालन करने? मुझे लगता है अभी 1 साल मेरा और है अभी जो स्वराज में रहता है, तो इसमें अभी मैं जो फूड पे काम कर रहा हूँ, हेल्दी फूड पे मैंने काम किया है, और अभी जो फूड ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है तो उसके आप ऑल्टरनेट क्या दे सकते हो लोगों को, तो योगा के साथ एक फूड का कैसे कम्बिनेशन होना चाहिए, तो वो मेरे ख्याल 1 साल में मुझे कहीं एक जगह पे मैं स्टेबल होना चाहता हूँ। अभी कोई आप 10-12 लोग हैं, यूनिवर्सिटी में कितने स्टूडेंट्स हैं? यूनिवर्सिटी में हर एक साल एक नया बैच आता है, तो एक
हर एक नया बैच में एवरेज 15 से 20 तक लोग होते हैं। ऐसा जैसे बिग बॉस में झगड़ा होता है, जैसा आपकी जिंदगी में झगड़ा होता है? झगड़ा मतलब ऐसे टॉन्टिंग होता था। हम रोज मिलते हैं सुबह, तो जो भी है हमारे आसपास में, सो उसमें हम बात कर लेते हैं। हर एक दिन सुबह हम सब लोग इकट्ठे मिलते हैं और हमारा जो भी कुछ एक दूसरे को बोलना मन मुटाव दूर हो जाता है, कुछ ना वो बात कर लेते हैं तो एक दूसरे के साथ क्या हो चलो, तो दिन वो उसमें वो बाहर आ जाता है। लेकिन आपकी फिजिक बता रही आपको बहुत आसानी से सताया जा सकता है, कि आपको सब सताते हैं, परेशान करते हैं? नहीं ऐसे कुछ नहीं, ऐसा नहीं। आप अपने चेहरे से, बालों से, दाढ़ी से छोटे हरिहरन नजर आते हैं, क्या आप संगीत में आगे बढ़ना चाहते हैं? नहीं ऐसे नहीं। क्या कर रहे हैं आप? मैं बस जी रहा हूँ, तो उसमें अभी मेरे इंटरेस्ट में जो है उसमें काम कर रहा हूँ। तो पहले पिछली स्वराज आने से एक डेढ़ साल में बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर में बहुत काम किया मैंने, तो अलग अलग पुराने टाइम पे हमने कैसे मिट्टी और बांबू से घर बनाया गया, तो वो मैं सीख रहा हूँ, तो अभी उस पर काम कर रहा हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सभी लड़के से सभी का जवाब देना। हिंदुस्तान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आपको दिल्ली का केस मालूम होगा, भोपाल का केस होगा, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो है राक्षसी प्रवृत्ति का कार्य हो रहा है, क्योंकि आप जंगल में रहते हैं, आप सुरक्षित हैं वहाँ पर? हाँ। कैसे? आप सब में पवित्रता है, लेकिन आपके रहने के लिए कैसी जगह है वहाँ पर? उधर भरोसा है कि मैं रह सकती हूँ, सबके साथ भी वो भरोसा बन चुकी है। जो भी अगर बुरा चीज होगा या कुछ भी चीज होगा समझ जाएंगे, और हम बात करते हैं उसके, यू नो बीइंग वल्नरेबल, जो आके हम बोलते हैं, छुपाते नहीं है चीज अंदर जो रहता है, तो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए कोशिश भी करते हैं, सुनते हैं पहले। कभी आपने वहाँ किसी लड़की के साथ अप्रियता हुई हो, अव्यवहार हुआ हो, उसके साथ बुरा बर्ताव हुआ, ऐसा सुना आपने? नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं सुना। अच्छा, लेकिन ये तो आपकी आपसी दोस्ती है, आपका अंदर का व्यवहार ही है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी है? तो ऐसे ऑल्सो कैंपस में ऐसे नहीं कि सिर्फ हम लोग हैं, मतलब बच्चे से बुजुर्ग की पूरी एज ग्रुप रहती है वहाँ पर, और फैमिलीज भी रहते हैं, और कम्युनिटी सिर्फ हम लोग नहीं, एक बड़ा कम्युनिटी रहता है, तो काफ़ी एक फैमिली इन्वायरमेंट है वहाँ पर। एंड उसके अलावा मतलब हमारे लिए भी जब फर्स्ट ईयर में हमारे साथ काफ़ी सेशंस हुए, काफ़ी जो ट्रेंड लोग हैं वो कैंपस में आए हैं, 3 दिन 5 दिन का वर्कशॉप होता था उनके साथ, कैसे बॉडी को समझना या ऐसे ऐसे टाइप के इंसिडेंट्स होते तो, हाँ ऐसे इंसिडेंट्स हुए तो कैसे होना, सेक्सुअलिटी के ऊपर बहुत सारे हमारे वर्कशॉप होते थे, उनके ऊपर एक समझ बनती थी जो एक साथ हमने इकट्ठा बनाई है, तो वो सारी चीजें काफी हेल्प की है। एंड उसके अलावा तो अभी तक तो ना कुछ फेस किया है। दुनिया की कोई भी माँ, लड़की जागती है उसके पहले खुद जाग जाती है, जब वो सोती है उसके बाद वो खुद सोती है, और दिन में यदि किसी लड़की का उसकी माँ से कन्वर्सेशन होता है, जो लड़की बाहर रहती है, चूंकि आप आपकी माँ से दूर है, तो आपकी माँ के क्या गंभीर क्वेश्चन होते हैं आपसे? गंभीर क्वेश्चंस तो एक तो ट्रस्ट है उनको ये कम्युनिटी पे, नहीं आपके प्रति ट्रस्ट है, हाँ, ये लेकिन इसके बाद भी जब आप शुरुआत में गए थे तो क्या प्रश्न थे उनके गंभीर प्रश्न? मैं पिछले कुछ 2-2.5 साल से ट्रैवल कर रही हूँ और एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती थी, तो बहुत सारे लोगों के साथ मिलना रहता था और बहुत अक्रॉस इंडिया ट्रैवल किया है, तो एक तो उनको ये कॉन्फिडेंट आ गया है कि मैं अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हूँ, बट फिर भी उनको ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, किन लोग के साथ हूँ, तो जस्ट ये इन्फॉर्मेशन के रूप में वो उनको रहता है, बाकी एज अ ट्रस्ट या अपनी सुरक्षा करने वाली बात है उस पर उनको एक कॉन्फिडेंस है कि मैं वो सकती हूँ, और इस कम्युनिटी पे भी है कि जब इन लोग के साथ हूँ तो यानी मैं सुरक्षित हूँ, मैं सेफ हूँ, उनको वो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप एक एक जवाब दीजिएगा सभी, ये जिस भारत में आप जी रहे हैं इसकी आपने कल्पना नहीं की थी, लेकिन आप उसके भीतर आ गए, इस पर आप सभी का ओपिनियन क्या है, वहाँ से शुरू कीजिए। आई थिंक ये बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ है, सिर्फ यही बात नहीं कि विभिन्न ब्रांच से है, ये भी कि बहुत डिफरेंट एज ग्रुप है, फ्रॉम 18 टू लेके 30 से,
एंड डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड डिफरेंट स्टेट्स जिसके कारण डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड है एंड अदर देन जो इंटरेस्ट है जिसके लिए सीखने गए पर उसके अलावा जो हम कम्युनिटी में रहते हैं और एक साथ रहते हैं इतने डिफरेंसेस के साथ बावजूद एक इकट्ठा रहना वो कम्युनिटी बिल्ड करना वो ट्रस्ट बिल्ड करना वो कम्युनिकेशन पर वर्क करना वो एक बहुत बड़ी लर्निंग हुई है मेरे लिए एंड ऑल्सो कैसे एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं एंड ऑल्सो जो एक ग्रैटिट्यूड का फीलिंग आता है वो भी बहुत आता है क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम देख नहीं पाते पर ओनली जब हम दूसरे लोगों के स्टोरीज देखते हैं तब हमको समझ आता है। आप इस बारे में बताइए। और मेरा अभी 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल में मैंने पहली बार लैंग्वेज भाषा जो है हिंदी सीख रही हूँ और अभी हिंदी में भी बात करने के लिए कोशिश कर रही हूँ। बोल रहा वैसे हिंदी जानने वाले भी नहीं बोलते रहे हैं, वो बोलते हैं चलिए बोलिए क्योंकि मैं सीख रही हूँ अभी भी। तो तो ये पूरा जर्नी में मैंने खुद के बारे में सीख रही हूँ क्या मेरा कैसे मैं अवेयरनेस लेके आ सकती हूँ, मेरा जो एक्शंस है वो कैसे मुझे अफेक्ट करता है, वो रिएक्शन फिजिकली मेंटली इमोशनली वो स्टेट कैसे मैं समझ सकती हूँ और लोगों के साथ भी रह के बहुत सारे चीज़ मैंने सीखा और कैसे समझना है लोगों को, कैसे सुनना है, कैसे टाइम देना है और कैसे रहना है समझ के और प्यार कैसे देना है, प्यार कैसे रिसीव कर सकती हूँ मैं लोगों से और एक स्पेस जहाँ मैं क्रिएट कर सकती हूँ जहाँ लोग आके बात कर सकते हैं या अच्छा या बुरा जो भी है डिस्कम्फर्ट के साथ कैसे रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।